नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मिलते हैं आज फिर एक रैपिड राउंड के सीरीज में, जिसमें आप लोगों को पता है इसके पहले हमने हेल्पलाइन नंबर और आपके जीएसटी और विमुद्रीकरण की चर्चा कर ली है। आज हमारा जो रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चन है कि हम 10 मिनट के अंदर और कितने क्वेश्चन कर लेंगे, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका मानवाधिकार का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके जो कांस्टेबल का एग्जाम है, उस कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान रखेंगे, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आपका जवाब जो आएगा वो सी आएगा, यूएनओ ने। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगर बात करी जाए क्वेश्चन नंबर टू में कि सार्वभौमिक घोषणा जब हुई थी मानवाधिकार की, तो कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार जो होगा व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होगा, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका जवाब आएगा वो अनुच्छेद 15 आएगा। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जब हुई थी उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो आपका जवाब 30 आना चाहिए, बिल्कुल अनुच्छेद 30 थे। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा को सर्वप्रथम अपनाया था, तो वो देश आपका फ्रांस था। मानव अधिकार और अमानवीय गलतियां, ये पुस्तक लिखा है किसने, तो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे आर कृष्ण अय्यर, इन्होंने लिखा हुआ है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा तो आपको पता है 10 दिसंबर 1948, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार की मसविदा समिति जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसकी मसविदा समिति के अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है, तो वो अध्यक्ष थे आपके एलोनोर रूजवेल्ट। फिर बात करते हैं मानवाधिकार की मसविदा समिति के प्रारूप को तैयार किसने किया था, मैंने आपको बताया था जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने। बात करेंगे आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तीसरी बैठक में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई, उस समय कितने देशों ने भाग लिया था, तो 58 आपका जवाब सी आएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो आपके 1993 में लागू किया गया था, 28 सितंबर 1993, ध्यान रखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में प्रारंभिक संशोधन किस वर्ष हुआ था, जो प्रारंभ में संशोधन हुआ था वो आपके 2006 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, एनएचआरसी की बात हो रही है, तो मानव संरक्षण अधिनियम में आपकी बात की गई थी, तो मानव संरक्षण अधिनियम के अधिनियम के 1993 के बाद 12 अक्टूबर 1993 को क्या होती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां है, तो दिल्ली में है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, तो आपका जवाब यहां पे 8 अध्याय हैं और आपकी 43 धाराएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में अभी हाल ही में कब संशोधन किया गया, तो अभी हाल ही में इसमें आपके 2019 में संशोधन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के पद को लेकर के और उसके कार्यकाल को लेकर के संशोधन किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ है वो संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे, तो वर्तमान अध्यक्ष आपके अरुण कुमार मिश्रा हैं, और पहले अध्यक्ष आपसे पूछे तो पहले अध्यक्ष के बारे में अगर आप जानेंगे तो वो है आपके रंगनाथ मिश्रा। आगे बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या, तो जाहिर सी बात है आपका 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी कार्यरत मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके पद के एलिजिबल है। पहले संशोधन के पहले क्या था, केवल मुख्य न्यायाधीश इस पद के लिए एलिजिबल था सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन संशोधन कर दिया गया। एनएचआरसी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है। उन सिफारिश में देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ सदस्य होते हैं जिनकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य के उपसभापति शामिल होते हैं। बी आंसर करेक्ट है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति इसकी अनुशंसा पर और सदस्यों की अनुशंसा पर करता है, ध्यान रखेंगे ये शामिल नहीं होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग का नहीं, कौन सा कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो देखिए इसमें मैं बताऊं, किसी भी तरह के मुआवजे की बात मानवाधिकार में नहीं होती। मानवाधिकार के अगर उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार से संबंधित कोई बात है, तो वो काम आपका मानवाधिकार आयोग करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्य में, ये रिपोर्ट क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग होगा? तो वो धारा 21 है आपकी, ठीक है। राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो जवाब आपका 7 अक्टूबर 2002 आएगा। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, जाहिर सी बात है आपको पता ही है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के बारे में अगर बात करी जाए तो वी सरन थे। वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा तो बालकृष्ण दोषी इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करी जाए राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्यों की बात की गई, तो 2 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होता है। सचिव की भी बात की गई है तो 1 सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर? वही रिपीट दूसरे तरीके से क्वेश्चन बना हुआ, राज्यपाल है। कहते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है? नियुक्ति तो राज्यपाल करता है लेकिन हटा राष्ट्रपति सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के किस धारा में मानव अधिकार की बात की गई है? तो ध्यान रखेंगे अगर मानव अधिकार की बात की गई है ना, तो वो धारा 2 में कही गई कि मानव के अधिकारों की बात जो की गई है वो धारा 2 में कही गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के किस धारा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है? तो उसमें आपका कहा गया धारा 6 में। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की, यानी मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में कहा गया है? तो यह धारा 3 होगा आपका। 40 नंबर के क्वेश्चन में देखें, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानवाधिकार के लिए एक न्यायालय की बात कही गई है? तो वो न्यायालय की बात आपके धारा 30 में कही गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार आयोग की शक्तियों एवं कार्यों की बात की गई है? तो यहां पर जो आपका जवाब आएगा वो आपका धारा 12 हो जाएगा। तो ये मानवाधिकार से रहे आपके क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे, इनसे बाहर आपके मानवाधिकार से अगर क्वेश्चन बनता है तो बाहर नहीं जाएगा। क्विक फॉरवर्ड में, रैपिड फायर राउंड में हम लोगों ने ये तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट किया। इसी तरीके के और रैपिड फायर राउंड में हम मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।